क्वेश्चन भी आपके सामने हैं उसके आंसर्स भी आपके सामने हैं आपको करना क्या है आपको आंसर ढूंढ के ही तो निकालना है दिस सेक्शन इज द इजिएस्ट प्रोवाइडेड यू नो द्रैटी टू सॉल्व दिस सेक्शन आपको इसको कैसे करना है अगर मुझे उसकी स्ट्रैटेजी पता है तो टेन आउट ऑफ टेन आई कैन स्कोर ईजिली अगर मेरे दस क्वेश्चन आए हुए हैं रीडिंग कॉम्प्रीशन से दसों के दसों मेरे ठीक हो सकते हैं अगर मैं सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करूँ विद एंड वी विल अटेन रिजल्ट विद हंड्रेड परसेंट एक्यूरेसी एक बार स्ट्रैटेजी समझते हैं क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जब भी हम कोई आर कर रहे हैं जिन स्टूडेंट्स को ये नहीं पता आरसी क्या होता है आपको एक पैसेज दिया गया होता है और उस पैसेज के बेसिस पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नाउ सबसे पहला स्टेप नंबर वन जो आपको करना है इन क्वेश्चंस के लिए सबसे पहला स्टेप है आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे मार्क my वर्ड्स कभी भी ये गलती मत करना कि आप पैसेज को पहले पढ़ रहे हो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं आपको पैसेज की तरफ नज़र भी नहीं रखनी है आपको सबसे पहली चीज़ क्या पढ़नी है स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ने हैं क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हो फॉर एग्जाम्पल आपने क्वेश्चन नंबर वन पढ़ा उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन में एक कीवर्ड मार्क करना है या फिर आपको मार्क नहीं कर पाओगे अगर आपका ऑनलाइन पेपर है तो आपको कीवर्ड लिख लेने हैं हर क्वेश्चन में आप एक एक कीवर्ड लिखते चलोगे कीवर्ड से मेरा क्या मतलब है बच्चों कीवर्ड से मेरा मीनिंग है इम्पॉर्टेंट वर्ड्स द वर्ड्स दैट आर इम्पॉर्टेंट आपको लग रहा है कि पूरा का पूरा सेंटेंस या पूरा का पूरा, पूरा क्वेश्चन उस वर्ड के चारों ओर घूम रहा है उस वर्ड को आप एक जगह लिख के रख लोगे आपने स्टेप नंबर वन क्या फॉलो किया आपने क्वेश्चन पढ़े आपने स्टेप नंबर टू क्या फॉलो किया आपने की को मार्क किया आपको जो जो वर्ड्स लग रहे थे आपको आपने उनको अंडरलाइन कर लिया अगर आपका ऑफलाइन एग्जाम है और या तो उन वर्ड्स को आपने लिख के रख लिया आपने एक शीट पे अगर आपका ऑनलाइन पेपर है तो वो द स्टेप्स क्लियर आपको क्या करना है इसके बाद स्टेप नंबर थ्री अब आप पैसेज को पढ़ोगे Now you will start reading the passage. कीवर्ड्स को मार्क करने के बाद आप पैसेज को पढ़ना स्टार्ट करोगे आपने पैसेज की फर्स्ट लाइन पढ़ना स्टार्ट किया आप पैसेज को पढ़ते जा रहे हो और जैसे जैसे आपको पैसेज को पढ़ के की मिल रहे हैं आपने जो कीवर्ड्स लिखे थे आप पैसेज को पढ़ रहे हो पैसेज को पढ़ते समय जैसे आपको कीवर्ड्स मिलते जा रहे हैं आप उन कीवर्ड्स वाली लाइन पर फोकस ज़्यादा करोगे मतलब आपको पैसेज कैसे पढ़ना है रीड द पैसेज विद स्पेशल फोकस ऑन द लाइन्स कंटेनिंग कीवर्ड्स आपको पैसेज को पढ़ना है और सबसे ज़्यादा फोकस आपका किन पे होगा उन लाइंस पर होगा जिनमें कीवर्ड्स लिखे हुए हैं आपने स्टेप नंबर थ्री भी कर लिया अब लास्ट में आप क्या करोगे माय डियर स्टूडेंट्स अब लास्ट में आप स्टेप नंबर फोर पे आ जाओगे स्टेप नंबर फोर में क्या करोगे आप? आपने पैसेज को पढ़ लिया आपने बहुत ज़्यादा फोकस के साथ पढ़ा जिन जिन लाइन्स में की थे नाउ यू विल कम टू स्टेप नंबर फोर एंड यू विल आंसर द क्वेश्चन आप क्वेश्चंस को आंसर करोगे अब ये जो क्वेश्चन को हम आंसर करते हैं बच्चों इसमें भी ट्रिक है इसमें भी आपको टाइम सेव करना है इसमें भी आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है आप उस एक्यूरेसी को कैसे बढ़ाओगे सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारे पैसेज में किन तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले तरह के जो क्वेश्चन आते हैं हमारे पैसेज में जिनको हमने बोला वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन सबसे तरह पहली तरह के क्वेश्चन जो हमारे पैसेज में आते हैं दे आर वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन पैसेज में आपसे पूछा जाएगा कि ये वर्ड पैसेज में यूज हुआ था इस वर्ड का एंटेनिम क्या है ये वर्ड पैसेज में यूज हुआ था इस वर्ड का सिनोनिम क्या है वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन दूसरे तरीके के क्वेश्चन जो हमारे पैसेज में आते हैं जिनको मैंने बोला पैसेज बेस्ड क्वेश्चन पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से क्या मतलब है फॉर एग्जाम्पल पैसेज में लिखा हुआ है आर ने ये ये स्टेप लिया इस चीज़ को क्योर करने के लिए तो क्वेश्चन भी क्या पूछा गया है व्हाट स्टेप हैज आरबीआई टेकन कौन सा स्टेप आरबीआई ने लिया दैट मीन्स सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन आर आर पैसेज बेस्ड आपको पैसेज में दे रखा है वो आंसर आप जब उस लाइन को पढ़ोगे उस की को पढ़ोगे आपको वो आंसर मिल जाएगा तीसरे तरीके के क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में आते हैं दे आर कंप्लीट क्वेश्चन कंप्लीट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है मैंने इनको किस कैटेगरी में बोला मैंने इनको बोला कंप्लीट पैसेज या कंप्लीट पैकेज क्वेश्चंस कंप्लीट पैकेज क्वेश्चंस का मेरा क्या मतलब है आपको बहुत बार पूछेगा पैसेज कि इस पैसेज की थीम बताओ इस पैसेज का कंक्लूजन बताओ इस पैसेज से आप क्या इंफ्रेंस ड्रॉ कर रहे हो वो बताओ इस पैसेज की समरी बताओ इस पैसेज को एक अच्छा सा टाइटल दे दो ऑथर का ऑब्जेक्टिव क्या है वो मुझे बताओ इनको बोला गया पैसेज कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन की इनमें पूरा का पूरा पैसेज आपको एक बार में पूछ लिया जाएगा तो जब भी हमें कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे वो एस बी आई पी ओ हो चाहे वो आई बी पी एस पी ओ हो चाहे वो कोई और पी ओ एग्जाम हो कोई भी हमारा कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसमें अगर हम आर सी सोल्व कर रहे हैं तो हम किस ऑर्डर में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मार्क माई वर्ड्स सबसे पहले आप वोकेबलरी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उसके बाद आप पैसेज बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और लास्ट में आप कंप्लीट पैकेज वाले क्वेश्चन

पैसेज से कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं पैसेज से इन्फ्लुन्स क्या ड्रॉ कर सकते हैं तो जब भी हमें आर वाले क्वेश्चन को ट्राई करना है हम उन्हें किस ऑर्डर में करेंगे प्लीज़ स्पीक एवरी वन क्वेश्चन सबसे पहले उसके बाद हमारे पैसेज क्वेश्चन और उसके बाद हमारे कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन अगर इस स्ट्रैटेजी को आप अपने आर में लगाओगे आप बहुत आसानी से सारे के सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे ये मैंने अभी स्ट्रैटेजी बताई है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक हम पैसेज लेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर के किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रखा होगा बिल्कुल इसी स्ट्रैटेजी से हम उस पैसेज को करेंगे एंड देन यू विल ट्राई सी कि इस स्ट्रैटेजी को लगाने से आपका टाइम कितना रिड्यूस हुआ आपकी एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा बढ़ गई एक बार मुझे जल्दी से बता दीजिए क्या क्या हमारे स्टेप्स हैं स्टेप नंबर वन रीड द क्वेश्चन सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ोगे स्टेप नंबर टू क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप की वर्ड्स मार्क करोगे स्टेप नंबर थ्री आप पैसेज को पढ़ोगे फोकस किस पे दोगे उन लाइन्स पे दोगे जिसमें की वर्ड्स यूज हो रखे हैं स्टेप नंबर फोर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे क्वेश्चन को किस ऑर्डर में अटैम्प करोगे सबसे पहले वो वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन उसके बाद आपके पैसेज बेस्ड क्वेश्चन और उसके बाद आपके कंप्लीट पैकेज क्वेश्चन होप सभी को समझ में आई होगी स्ट्रेटेजी पसंद आई है वीडियो प्लीज लाइक करना शेयर करना थैंक यू वेरी मच